मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं नीलम गर्ग, आज हम बनाएंगे सूजी की स्पंजी फ्राइड इडली। तो उसको लिए बनाने के लिए यहाँ पर सूजी की स्पंजी इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसमें 2 कप हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक वाली रवा या सूजी बोल सकते हैं तो ली है। तो अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, थोड़ी सी मोटी है, तो आप उसको मिक्सी में डालकर कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए चलाकर उसको बारीक पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बारीक वाली सूजी ले ली है और 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 1 कप मैंने दही लिए हुए, दही हल्का सा खट्टा है तो आप इसमें खट्टा दही भी यूज़ कर सकते हैं। खट्टे दही से इडली हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने बारीक वाली सूजी ली हुई है, उसमें 1 कप हमने दही मिक्स कर दिए है और 1 कप यहाँ पर मैं पानी लूँगी सबसे पहले, और पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पानी ले लिया है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ही इसमें ऐड करना है, एकदम हमें सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर, एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो इडली बैटर को भी मैंने यहाँ पर ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। तो इडली को हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी, 4 से 5 मिनट में ही रेडी हो जाती है। बहुत बढ़िया इडली बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास, आप इसको माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सिंपल पैन में किसी भी बड़े से भगोने में
बना सकते हैं। अगर आपके पास इडली मेकर भी नहीं है तो आप उसमें बाउल में भी इसको बना सकते हैं। तो सभी इडली को, इडली मेकर को मैं यहाँ पर फिल कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं हमें इसे फिल करना है। तो बस सेकंड को भी मैं सेम तरीके से ही एक बार में तैयार होंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने माइक्रोवेव से बाउल, तो ये इडली स्टैंड है, इसको इडली मेकर में इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े बाउल में। तो यहाँ पर बीच में इसमें लगा हुआ है एक स्ट्रेनर जिसमें से इसमें अच्छे से स्टीम आती रहेगी। तो नीचे मैंने पानी ऐड कर दिया है एक गिलास। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा टाइट बॉक्स को नहीं बंद करूँगी, बस इसके लीड को मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसको रखेंगे माइक्रोवेव में। तो बचे हुए बैटर को भी मैं यहाँ पर माइक्रोवेव से, जो छोटे छोटे से मेरे पास यहाँ पर मफिन मॉल्ट हैं तो मैं इसमें इसको ग्रीस कर लिया है, बाकी बचे बैटर को इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसमें भी इडली हमारी तैयार हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर आप माइक्रोवेव में नहीं बनाना चाहते, आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको किसी भगोने में भी बना सकते हैं। भगोने में इडली की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बस इनको भी मैंने इसमें रख दिया है। कंटेनर को हम माइक्रोवेव में रख देंगे और इसमें 4 मिनट का टाइम सेट कर देंगे। 4 मिनट में इडली बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। तो बस कंटेनर को मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है। जो मैंने बाउल रखी थी इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। तो बस टाइम सेट कर देंगे इसमें 4 मिनट का। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इडली बैटर बाउल में रखा हुआ था तो वो काफ़ी फूल चुकी हैं, दिखाई दे रही है इसमें से ही। तो यहाँ पर 4 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। तो कंटेनर को हम बाहर निकाल लेंगे माइक्रोवेव से। आप देख सकते हैं इडली बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट एकदम। तो बस इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से छोड़ दूँगी, इसमें ही ये ठंडी हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगी इस तरीके से। तो बाउल में भी देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, जालीदार एकदम इडली हमारी, और काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं ये। तो बस सभी को ठंडा होने देंगे इनको हम। मैंने इसको भी कवर कर दिया है, ऐसा करने से इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी इडलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। तो इनको मैं यहाँ पर कंटेनर से बाहर निकाल लूँगी सभी इडलियों को। और इडलियाँ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई, आप देख सकते हैं इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है तड़का लगाने से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इसको वाइट भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनको येल्लो कलर में बनाया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सभी को मैं यहाँ पर इडली मेकर से बाहर निकाल लूँगी सभी इडलियों को नाइफ की हेल्प से। नाइफ को चारों तरफ किनारियों से घुमाते हुए इडली को हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे, बहुत ही इजी निकल जाएंगी। तो बस थोड़ा सा केयरफुली इनको अलग निकाल लेंगे। तो बस इडली हमारी देख सकते हैं आप कितनी इजी तरीके से निकल गई है। तो बस इडली देख सकते हैं आप कितनी स्पंजी बनी है, कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो सभी को इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से स्पून से भी इसको राउंड राउंड घुमाते हुए निकाल सकते हैं, स्पून से बहुत ही इजी तरीके से निकल जाती है ये। तो इडली बहुत ही बढ़िया बनी है। तो सभी को मैं इडली को इडली स्टैंड से निकाल लूँगी बाउल में, जिस बैटर को मैंने रखा हुआ था उसमें भी देख सकते हैं कितने इजी तरीके से निकल गए और कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत ही स्पंजी। तो बाउल में भी इस तरीके से बहुत इजी बन जाती है। तो सभी इडली को मैंने बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं कलर कितना प्यारा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये कलर की इडली।
तो सभी इडलियाँ बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है और स्पंजी कितनी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इन्हें फ्राइड इडली भी तैयार कर सकते हैं। तो आप इन्हें अपनी पसंद से किसी भी तरीके से खा सकते हैं। इडली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो सूजी की स्पंजी इडली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, देख सकते कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर फ्राइड इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें इडली को छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करना है। मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इडली हमारी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनी हुई है। तो सबसे पहले इनको मैं कट करूँगी। तो एक एक इडली उठाएंगे और इनको कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीस इनके नहीं करने और ना बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस करने हैं। बस इस तरीके से हमें इनके पीस रखने हैं। तो सभी को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी को कट कर लेंगे पहले। तो बस सभी इडलियों को हमने कट कर लिया है। एक लेंगे पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे हम। तो यहाँ हमने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को हम हाई कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून हमने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। तो बस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे, राई को होने देंगे। राई हमारी हो चुकी है, हल्का सा इसको कवर कर। तो राई हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का ऑनियन, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। तो इसको होने देंगे हल्का सा, फ्लेम को हाई रखेंगे। तो ऑनियन को बस हमें हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। हल्का सा हो चुका है, तो इसमें एक शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, इसको मैंने स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। तो इसको भी होने देंगे इसी के साथ। अगर आपके पास पत्ता गोभी है तो आप इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इनको हल्का सा कुक होने देंगे, जब ये थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी तब तक ही इन्हें हमें कुक करना है। तो अब हम इडली को भी इसमें ऐड कर देंगे और ऑयल में अच्छे से कोट कर लेंगे और इनको भी होने देंगे हल्का सा। इडली पे हमारी हल्का हल्का सा जब कलर आ जाएगा इडली, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसको हम चलाते रहेंगे। तो इडली पे हमारी हल्का हल्का कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। हमें इसमें सबसे पहले सोया सॉस नहीं ऐड करनी है, क्योंकि वरना हमारी इडली का कलर चेंज हो जाएगा। फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम यहाँ पर टमाटो सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस।
तो सोया सॉस इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, बस बहुत कम। तो मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। क्रस्ट की हुई 4-5 काली मिर्च भी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे एक बार हल्के हाथों से इसको। तो बस मसाला इडली हमारी फर्स्ट क्लास फ्राइड इडली रेडी हो चुकी है, सर्व करेंगे। तो बस एक प्लेट लेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही चटपटी सी हमारी फ्राइड इडली रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी इडली बनकर तैयार हुई है हमारी। तो चटपटी सी फ्राइड इडली बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।